मैं ये देखना चाहता हूँ ये कौन आ गया. हेलो आफ्ताब आलम, तुम चिटर आदमी है. चल क्या चिटिंग की तुमने हमारे से. बोला रिक्शे में एसी, उसमें एसी तो नहीं था. उसमें तो कुछ और था. चलो एसी नहीं था तो क्या था, देसी तो बैठा था. तुम चिटर आदमी है. चल क्या चीटिंग की हमने. तुमने हमारे से बोला हमारा क्रिकेट टीम जो है लल्लू पंजू है. किसी का पट्टा चढ़ जाता किसी का लेट जाता है. लास्ट टाइम हमारे सामने तुमने स्ट्रॉन्ग टीम लाया, हमसे वर्ल्ड कप छीन के भाग गया. मेरी जान ये तो हमारी बदनसीबी थी. अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी एक बार फिर इकट्ठे हो गए. तुम अंग्रेजों से वो चीज छीन लेंगे जो तुम छीन के गए हो हमसे. तुम चिटर आदमी है. चल तुम भी तो कैसे कैसे खिलाड़ी भेजते हो. वो क्या नाम है एक जिसकी गर्दन ही नहीं है, स्मॉल. स्मॉल वो बॉलिंग ऐसे करा था जैसे बतख चल रही है. उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, हमारा मुल्क का सरमाया है. ये सरमाया यहाँ भेज दे, जावेद चावला 15 प्रोग्राम और करवा लेगा. नहीं नहीं तुम समझा नहीं, उसने हमारा मुल्क में 5 कत्ल किया. ओहो हमारा मुल्क ने उसको फांसी नहीं दिया. अब तो फांसी दे भी कैसे सकती है तुम्हारी हुकूमत, उसकी गर्दन तो है नहीं, क्या कमर में फंदा डालेंगे. तुम चीटर है. अब चल तो चीटर चीटर लोटे जैसा मुंह बना रहा है. व्हाट यू मीन लोटा. ओहो उसे लोटे का मतलब ही नहीं पता. चल मेरे साथ इस्लामाबाद बताता हूँ कितने लोटे हैं. समझ जाया करो तो थालियां बजाओ, कोई खौफ नहीं है यार. नो नो एक्सप्लेन मी प्लीज लोटा, व्हाट यू मीन लोटा. यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोटा. नो. या यू गो टू द बाथरूम. ओ या रेस्ट रूम. ये रेस्ट रूम तुम अंग्रेजों ने बनाया, वही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं. अंटो फंटो फंटो ये मोबाइल इजाद इसीलिए हुआ है. मेरी बात सुनो, यू गो टू द बाथरूम एंड यू हैव सीन द कमोड. कमोड जिसको तुम गरीब लोग बोलता सुराख वाला कुर्सी. यस ओके ओके यू हैव सीन द सुराख वाला कुर्सी. यस एंड बराबर में पड़ा है लोटा. व्हाट यू मीन लोटा. हाँ भाई इन्हें लोटे का मतलब कहां से पता चल सकता है, इनके यहां तो कागजी कार्रवाई होती है. तुम बहुत चिटर आदमी है. क्यों तुमने उधर भी चिटिंग किया. क्या किया. हम वॉशरूम गया था. किसी ने टिश्यू पेपर निकाल कर रेग माल रख दिया. हमारा सारा मुंह छिल गया. मुंह. अच्छा शुक्र है मुंह कहा आपने. तो मैं ये कह रहा था कि ये तुम्हें क्या हो गया, ये क्या अंग्रेज बन गए हो तुम. नहीं नहीं वो तो मैं ऐसी बातें कर रहा था. अच्छा वैसे आप ये बताएं, बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हैं आज. इतने लंबे चौड़े, इतना बड़ा कद है आपका. आपकी बीवी का कद इतना छोटा था कि पॉकेट तक आती है. अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरा कद इतना बड़ा है, मेरी बीवी का कद इतना छोटा क्यों है. क्यों परवेज. हाँ मुसीबत जितनी छोटी हो इतना अच्छा है. देख जितने दोस्तों ने तालियां बजाई सबके घर मुसीबत छोटी है. माशाल्लाह. अच्छा एक बात बता. हाँ. तू इतना खूबसूरत है, तेरी शादी हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह. परवेज तेरी शादी हो गई. मैं लड़की अंधी है ना. माशाल्लाह. तेरी शादी को कितना टाइम हुआ. 2 साल. 2 साल हो गए तेरी शादी को. तेरे कितने बच्चे हैं. 4 हैं. 2 साल में 4 बच्चे. पाकिस्तान टीवी नहीं देखता. 2 साल में 4 बच्चे. बस ये ऊपर वाले का करम है. तो तुम्हारे ऊपर रहता कौन है. आप समझे नहीं. नहीं अल्लाह ताला का करम है. अच्छा अच्छा मैं समझा जावेद वहां तो नहीं जाता. कैसी बातें कर रहा है. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह तू इतना खूबसूरत है. आप मुझसे शर्त लगा. कहां से खूबसूरत यार. है यार चलो वो कमर देख रहे हो आप. कमर. ये मुझसे शर्त लगा. हो जाए. खवातीन हज़रात देख रही है कि हम दोनों दोस्तों में से जीतता कौन है. जो भी जीते उसके लिए पुरजोर तालियां होंगी. हाँ परवेज लगा शुरू कर. मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ, 500 कमरे, कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं. मैं अकेले जाता हूँ, पढ़ के वापस आता हूँ. मैं जीत गया. ये तो इतना बड़ा छोड़ू. मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ ना छत है ना दरवाजा है ना ग्राउंड है ना कुछ है. मैं भागता हूँ वापस आता हूँ घर पे आके सो जाता हूँ. मैं जीत गया. ये पढ़ाई तो नहीं है, ये तो वर्जिश हुई. आप अब जीत के दिखाएं. मेरे अब्बा एक दफा पानी वाली टंकी में घुसे छत वाली में नहाने के लिए. अम्मी ने नल खोला उसमें से निकले पुड़ुम. निकालो अब्बा. इसका बाप है या सांप का टुकड़ा. ऊपर से गया और भुड़ुम करके. मेरे अब्बा भी एक दफा हैदराबाद गए थे. हाँ. जामशोरों में नहाने कूदे और यहाँ केमाड़ी से निकले भुड़ुम. वेरी गुड. अपना बाथरूम अपनी कन्वेंस. ये अब जीत के दिखाएं. मेरी अम्मी आपकी अम्मी से ज्यादा खूबसूरत है. क्या कहा. मेरी अम्मी आपकी अम्मी से ज्यादा खूबसूरत है. यहाँ मैं हार गया. क्यों. मेरे अब्बू भी यही कहते हैं. हाँ. कल
तो मेरे अब्बू कहने लगे आफ्ताब के बच्चे उठ और ये बता के चांद कहां से निकलता है। वेरी गुड। मैंने कहा अब्बू इसमें गुस्से होने की क्या बात है, आसमान से निकलता है? नहीं, आसमान से नहीं निकलता, परवेज के घर से निकलता है। आपको देख के एक शेर याद आया मुझे आपकी खूबसूरती पे। थैंक यू। सुने इरशाद, आप पे फिट बैठते इरशाद। शेर बड़ा अच्छा इरशाद। ए रब्बा की करम कमाए ने, ए रब्बा की करम कमाए होने, इंसान ते तड़ा ते मुंह को त्या ने लाए ने। अखबार में पढ़ा था। तेरे को देख के भी एक शेर याद आया। बोले कौन कहता है कि मौत आएगी तो तू मर जाएगा। वाह, ये क्या कर रहा है? ये अंदर का कुत्ता बना था, आप जारी रहे। कौन कहता है कि मौत आएगी तो तू मर जाएगा? आहा। अरे तू तो बंदर है, दरख्त पे चढ़ जाएगा। मैं तो बंदर हूं, दरख्त पे चढ़ जाऊंगा, मुसीबत तो ये कि गधा कहां जाएगा। ये नहीं अखबार में। एक शेर और है इरशाद, आपका फायदा है इरशाद। सुने इरशाद, आपका टोटली प्योर फायदा है। गुड, सुनाओ। मेमन तो फायदे के पीछे ही भागता है। सुने, वो आगे आगे थी, वो आगे आगे थी, तू पीछे पीछे था। अरे वो पीछे पीछे था। लिया लिया, बैरिया तक लिया, अल्लाह खैर करेगा। आगे सुने फिर पता चले। इरशाद, वो आगे आगे थी, वो आगे आगे थी, तू पीछे पीछे था, मैं पीछे पीछे था। वो पलट के बोली, क्या आया कब तक पीछे आएगा। अच्छा तो वो तू था। हाँ,